निश्चित करके मुझे बड़ी खुशी हासिल हो रही है, इसलिए कि मेरी उम्र में यह पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ तक इतिहास का सवाल है। हमारे शिक्षक के मुकाबले जो हमारे वहाँ हमदर्द हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी और सबका मकसद ये भी था कि सारे लोग उत्साहित हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, इतिहास जिंदगी है, इस्लाम मौत है। अगर हम उत्साहित रहे तो जिंदगी हमको मिल गई। अगर हमारे अंदर इतिहास कायम रहा, सभी लोगों ने गरीब बच्ची है कहा है, और इस सिलसिले में हमें आपका जाते हैं कि इतिहास के लिए बड़ी कोशिश की है। अब क्योंकि हम मखलून हैं, बीमार हैं, हम खड़े होकर कुछ कह नहीं सकते, कहने में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीआ, अरे लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, पूरा सफर रखो और इस्तराब मत करो। लिहाजा अगर कुछ आप करना चाहते हैं और समाज में तरक्की करना चाहते हैं तो आप उत्साहित हो जाइए, मिल जाइए, आपके इख्तलाफात को भुला दीजिए। मेरी यही गुजारिश आप उल्लास से है। और जिन नौजवानों ने इस सम्मेलन को किया है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने आए हुए बाहर से मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथी आसिम साहब है जो मोहताज साहब भाई, उन्होंने अपनी बात कही। हमारे भाई राम साहब जो नौजवान है, बड़े जज्बात उनके अंदर है, आप मुस्तैद रहेंगे तो उनका भी दिल बढ़ेगा। इश्तहार आप कायम कीजिए, अगर गांव में अख्तलाफ है तो वहाँ भी अगर जरूरत पूरी पड़ती है तो आप मुझे बुलाइए। मैं अकरम भाई के साथ हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं रहूँगा। आप हजरा जी आप जाते मेरा साथ दीजिए इंशाल्लाह। अकरम भाई को मैं उसको मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे बिरादरी के लोग आपके इस मोहन संस्थान की सभा के साथ रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी आप आवाज देंगे, हम सभी लोग मिलाकर के हाजिर रहेंगे।